गल हुण वोटां दी कर लैने आ। वोटां पंजाब दीआं 2022 दा चोण अखाड़ा पूरी तरह दे नाल भख गया है। इस दे विच सब तो पहला अमृतसर की खबर तुहानूं दसदे आ, जिथे वख-वख सिख जथेबंदियां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। संघर्षशील धिरां दे लीडरां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दित्ती है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार दे वल्लों गृह मंत्रालय दीआं गाइडलाइनस दे मुताबिक जेल विभाग पंजाब दे वल्लों भेजी प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की पक्की रिहाई की फाइल क्लीयर ना करदिआं रिहाई तो इनकार कर दिता है। इस करके हुण सिख पंथ दे वल्लों सारे पंजाब वासियां नूं नाल लैके 26 जनवरी तो बाद केजरीवाल दे उम्मीदवारां नूं थां थां ते घेरिया जाएगा। यह वड्डा ऐलान है जिहड़ा उह सिख जथेबंदियां ने कर दिता है। पंथक लीडरां ने कहा कि बंदी सिंघां दी रिहाई दा मुद्दा सिख पंथ दे संघर्षशील योधियां ते उहनां दे परिवारां तक सीमित ना होके कौम दा भावनात्मक अते संवेदनशील मुद्दा बणिया होया। प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई दे विच कोई भी कानूनी अड़िका कहिंदे बाकी नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार दे सज़ा समीख्या सेंटेंस रिव्यू बोर्ड दे वल्लों भावें 2020 दे विच प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई नूं खारज किया गया सी, पर 9 दिसंबर 2021 नूं जदों सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की रिहाई दे आखिरी अड़िके वजों मनिंदर सिंह बिट्टे की रिट खारज करन तों बाद हुण कोई कानूनी अड़िका रह ही नहीं गया। फिर भी केजरीवाल सरकार इस ते सही क्यों नहीं पा रही। उन्होंने मांग की है कि केजरीवाल सरकार तुरंत फैसला लवे, प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई करवाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री हुंदिया कहिंदे शीला दीक्षित ने दिल्ली सिख कतलेआम के दोषी ललित माकन कतल केस के जेल च बंद भाई रणजीत सिंह कुकी गिल नूं रिहा किया। बावजूद इस दियो दो बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, फिर केजरीवाल क्यों वोट राजनीति तो डर रहे ने? की यही समझा जाए कि अंदरूनी तौर पर केजरीवाल सिख विरोधी ने, क्योंकि वह प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई की क्लीयर हुई फाइल से साइन नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? ये केजरीवाल स्पष्ट करन।